हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जो हम ब्रेड स्लाइस बची हुई हैं उनसे हम आज ब्रेड क्रम बनाएंगे। मेरे पास कुछ फ्रिज में पड़ी हुई थी स्लाइस ब्रेड की, मैंने इनको एक प्लेट में निकाल दिया। अब मैं इनको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ दूंगी। और इधर मैंने कढ़ाई बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दी है गर्म होने के लिए। मैंने पीस तोड़ना स्टार्ट कर दिया। इनको छोटा छोटा तोड़ के मैं फिर इस कढ़ाई में डालूंगी, अच्छे से रोस्ट कर दूंगी इनको, ड्राई रोस्ट। आप चाहो तो इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हो। इसको हम चलाते जाएंगे लगातार, नहीं तो ये नीचे से लग के जल जाएंगे। जब हमारे ये पीस अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसको प्लेट में निकाल के हाथों से मसल मसल के पाउडर बना लूंगी। अब ये हमारे जो पीस छोटे छोटे तोड़े हुए थे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं आपको तोड़ के बताऊंगी, देखो बिल्कुल पाउडर बन रहा है। अच्छे से मैं इसको पाउडर बना के फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर दूंगी। जब भी हमें ज़रूरत लगेगी तो हम किसी भी इसको यूज़ कर सकते हैं चीज़ में। ज़्यादातर ये ब्रेड क्रम हमें फ्राई करने की चीज़ों में ही यूज़ होता है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा प्लीज़। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने इसको इस एयर टाइट कंटेनर डब्बे में डाल के स्टोर कर दिया है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।